हेलो फ्रेंड्स, मानसवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चिली पनीर बनाने जा रही हूँ, तो कोशिश करूँगी आपको सब कुछ मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि लोगों को अच्छा कुछ सिखाऊँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक अच्छी शेफ भी हूँ। तो चलिए अब तैयारी करते हैं। आपको थोड़ा सा मैं इधर रोटेट करके दिखा देती हूँ। ये सारे इसके इन्ग्रीडियंट हैं। शिमला मिर्ची है, ये अनियन है, ये गार्लिक जिंजर का पेस्ट है ये वाला, और ये स्प्रिंग अनियन है, और बाकी ये मैंने कोडेड करके पनीर रख लिया है कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न का जो वो आता है ना पाउडर, उसके साथ। तो चलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की। और बाकी तीनों सॉसेस हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है एंड नॉर्मल सॉस है। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूंगी, तो आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा, है ना। हल्का हल्का हम कोडेट करेंगे इसको। देखिए ये पनीर था, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। देखिए आप कलर देख रहे हैं ना, गोल्डन फ्राई करेंगे इसको। और ये मैंने इस शेप में काटा है कि ये अच्छे से फ्राई हो सके, चारों तरफ से इसकी कोटिंग हो सके। तो देखिए इससे क्या है, कॉर्न डालने से तो ये इससे क्या है कि मतलब ये जो अपना पानी नहीं छोड़ेगा, तो थोड़ी सी टेक्निक भी लगानी पड़ती है खाना बनाने के लिए। यही नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी बना दिया। ब्रो तुम भी सुन लो, आज मैं दिखाऊंगी तुम्हें कि कैसे बनाते चिली पनीर, क्योंकि ये एक तरीके से स्टार्टर होता है, तो इसमें पानी का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। तो पकने में ये पानी छोड़ रहा है। देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है इस पर। ऐसे ही हम इसको भी ऐसे रोटेट कर देंगे। देखिए इस पर भी कितना, चारों तरफ से हम इसको ऐसे ही पका लेंगे। ये क्रंची क्रंची हो गया है। हम थोड़ा सा शैलो फ्राई प्याज को भी करेंगे। इसको मैंने क्यूब्स में काटा है प्याज को, तो देखिए ये शैलो फ्राई हो रहा है। और इसका भी कलर मैं हल्का सा गोल्डन करूँगी, गोल्डन ब्राउन। तो इसको शैलो फ्राई करते हैं। आज का ब्लॉग मैं बहुत कूल माइंड से होके बना रही हूँ, तो शायद हो सकता है लैंग्वेज का कोई दिक्कत ना रहे। जल्दी जल्दी मैं इसको कुछ हॉरर लैंग्वेज ना बोलती। इसको ऐसे ही अपन पकाएंगे, ताकि ये प्याज जब पानी छोड़ती है, इसलिए ये ऐसे खुले में पकने पे, शैलो फ्राई करने पे पानी नहीं छोड़ेगी। और हल्का सा जो हम लोग चाइनीज खाना बनाते हैं, चाइनीज़, ये चाइनीज़ नहीं है, ये इंडियन चाइनीज़ है, क्योंकि इसकी जब ललक लगती है ना, तो फिर ऐसा ही खाना चाहिए। तो इसको हल्का सा हम लोग क्रंची रखते हैं, मतलब पूरा पकाते नहीं है, अधकच्चा कहते हैं ना, अधकच्चा खाना उस टाइप का रखते हैं। इसको शैलो फ्राई करते हैं हम लोग। बाकी ये सोया सॉस और चिली सॉस और नॉर्मल सॉस के साथ पकेगी ना, तो और अपना रंग छोड़ेगी। और देखिए ये ऐसे पक गए हैं, देखिए देखा कितने क्रंची है।
ऐसे क्रंची होते हैं। कॉर्न स्टार्च का पाउडर डालने पे देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। ये चीज़ नहीं हो पा रही है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कच्ची लगेगी, इसलिए मैं इसकी एक और लेयर को निकाल दूँ। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा गार्लिक और ये जिंजर का, मतलब मैंने थोड़ा सा इसको कूटा है खल्लड़ में और इसको कसा है, तो ये डाल देते हैं। देखिए अब हम सारे सॉसेस डालेंगे। ये तो मैंने डाला चिली सॉस थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ, कोई खाने वाला है नहीं आपके अलावा और मेरे अलावा, और आप लोग कितना खाएंगे आप लोग जानते हैं, फ़ोन में से कोई नहीं खा सकता। और ये थोड़ा सा सोया सॉस डाला हमने, ठीक है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल सॉस डालेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सॉस डालेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी कैप्सिकम को डाल देंगे और अपने अनियंस को डाल देंगे। इसमें पानी कहीं नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च को डालूंगी, वो भी मैं ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, और वैसे देखा जाए तो इसमें ग्रेवी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा फ्लफी फ्लफी सा लगेगा आप लोगों को। और ये थोड़ा सा मैं यहाँ से लेके नमक डालती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक है। और ये मैं डालूँगी कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी, ताकि वो कलर को अपग्रेड कर दे। सॉसेस डालते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि है ना ज़्यादा सॉसेस पकने नहीं चाहिए, तो इसलिए अब ये इसके रंग में रंग जाएंगे। और थोड़ा सा मैं अब कॉर्न का बना देती हूँ लिक्विड, देखिए इतना सा कॉर्न लूंगी मैं और इसको इसमें डालूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी मुझे दूसरी साइड ले जाना पड़ रहा है। अब देखिए इस कॉर्न के जो पानी को हम बनाते हैं इसको एकदम से नहीं डालते, धीरे धीरे डालते हैं, ऐसे धीरे 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 ऐसे डालते हैं, थोड़ा सा पानी और जाएगा और इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। इसे कुकिंग करना इतना आसान नहीं है, बट जिसको इसका खुमार चढ़ जाता है कुकिंग का, तो फिर उसको चढ़ ही जाता है। और ये सारी खुशियाँ बांटना मेरी वाइटी फैमिली, आप सच मानिए मैंने आप लोगों से ही सीखा है। ब्रो ने इतना गंदा
चिली पनीर बनाया था ना, तो वो भी देखें। ये स्पेशल उसी के लिए है कि वो यहाँ से सीखे थोड़ा सा। बिल्कुल, और अच्छा टेस्ट है। मैंने दूसरी साइड ले जाके थोड़ा सा इसे चख के देखा था। अब हम इसको भी डाल दें, पनीर को भी। और पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि पनीर फिर अपना पानी छोड़ने लगेगा। थोड़ा सा मैं इसे ढक दूंगी, ढक के 5 मिनट हम लोग इसको पकाएंगे। तब तक ये सामान फैल रहा है, मैं इसे साफ करती हूँ और फाइनल मैं इसका लुक आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मैं दिखाती हूँ, अब ये फाइनल ये पक गया है अच्छे से। और इसकी गार्निशिंग मैं कैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। थोड़ा सा तो मैं स्प्रिंग अनियन डालूँगी, देखिए ये मैंने स्प्रिंग अनियन डाला है थोड़ा सा, और मेरा हाथ गीला हो गया स्प्रिंग अनियन से। और ये थोड़ा सा ही, मतलब ये सफ़ेद रंग के तिल हैं, देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। फ़ोटो खींच लेते हैं फटाफट से एक, और इसके पास में जाके खींचते हैं एक और, देख लीजिए। इसको कहते हैं ब्रो चिली पनीर। मेरे दोनों भाई बहुत गुस्सा हो रहे हैं देख के कि ये हमारे लिए तो आजकल बनाती नहीं है, आजकल खुद ही खुद खुश रहती है, खुद ही खुद खाती रहती है। तो फाइनली मुझे बहुत खुशी है, प्रदीप के आने की खुशी में मैंने चिली पनीर बनाए। और हाँ जी, आप देख रहे हो तो प्लीज़ आ जाना खाने के लिए, क्योंकि आपको चाइनीज़ बहुत पसंद था ना, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। फाइनली मैं इसको अब डालती हूँ अपनी प्लेट में, धीरे धीरे ये सब निकाल के आपको देखिए। ये रहा इसका पनीर, ये रहा पनीर। दोस्तों मैं एक डॉक्टर ही नहीं, एक शेफ भी अच्छी हूँ, और जिस जिसको खाना हो वो आ सकता है खाने के लिए। ये है हमारा चिली पनीर। ऐसे ही दोस्तों YouTube पे अपनी अपनी हर किसी में एक कलाकारी होती है, एक आर्ट होती है। आप सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें, और मैं अब आपको खा के दिखाऊंगी फाइनली कि कैसा लगता है खाने में। सो यमी, सीरियसली सो यमी। तो इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलूंगी और भी कुछ नई नई चीज़ें लेके। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल ऑफ यू।